अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मोहम्मद व अला सैयदना मोहम्मद। ये हमारे एक भाई हैं, हमारे एक और भाई के केयरऑफ से आए थे, तो हमारे मुसलमान भाई हैं। भाई आपका नाम? वकास। वकास भाई जरा ऊंचा बोलना है आपने। मोहम्मद वकास। वकास भाई किस भाई को लेकर आए थे आप जो बराबर में बैठे हैं मौलवी साहब मगर वीडियो नहीं बनवाते? ये हमारे सूफी साहब हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी गैदरिंग के सरबराह हैं ये। अच्छा माशाल्लाह। तो सूफी साहब की क्या उम्र है? इनकी है 52। तो क्या इनकी कंडीशन थी आज से एक हफ्ते पहले जब आप डॉक्टर फहीम अरबल इसके बाद लियाकताबाद की रांची आए? पहले तो इनकी कैफियत में बहुत जो है वो ढलपन था, लेकिन अब ये कि माशाल्लाह चेहरे पे थोड़ा सा जो है भरा आ गया है। थोड़ा सा या ज़्यादा है? कैफियत तो अच्छी है पहले से। अच्छा माशाल्लाह। पहले पेशाब के लिए उठते थे रात को आप? नहीं, पहले नहीं उठता था। मैंने आपको बताया सिर्फ फजर में उठता था, जब 12 बजे सब सो जाता था उस पर करता था, या फिर फजर में जो आँख खुलती थी उस। अब अच्छा, दिन में पहले कितना पेशाब आता था, इस हफ्ते कितना आया? मैं हर नमाज के लिए जाता जोर के, वो एक आदत है, रूटीन है। मगर इस हफ्ते कुछ तब्दीली महसूस की? सवाल नहीं, रूटीन तो वही पेशाब। अच्छा, और कोई तब्दीली, कोई बात? तब्दीली बस ये आई है कि वीकनेस जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा, हाँ वीकनेस कम हो गई है। और पहले अंग्रेजी कितनी दवाइयाँ खाते थे, क्या क्या खाते थे? पहले तो मैं दवाइयों का पूरा शॉपर अपने साथ लेके घूमता था। पहले मैं गैट्रिल 3 mg नाश्ते से पहले, और नाश्ते के बाद ग्लूकोवान खाता था 50-850 विग्लिप एम 50-850 और पाइजर 15, ये नाश्ते के बाद, और यही रूटीन मेरी रात के खाने के बाद। अब एक हफ्ते से आप कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खा रहे? कोई भी दवाई नहीं खाई, बस आपके उस पर अमल करा है कि गंदम नहीं खाना, चावल नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, आलू नहीं खाना। तो माशाल्लाह आप हकीमी दवा आप खा रहे हैं। कभी सोचा था आपने कि यार हकीमी दवा से भी शुगर कंट्रोल हो सकती है? मुझसे तो लोग कहते थे कि भाई कभी पढ़ना भी नहीं हकीम के चक्कर में, वो तो बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन जब मैंने एक हफ्ते ही आजमाया माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुगर भी माशाल्लाह कंट्रोल हो गई, कमज़ोरी ख़त्म हो गई? कमज़ोरी ख़त्म हो गई, शुगर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं तो वो तो अंग्रेज़ी दवा के साथ आप इतनी सारी खाते थे तब जाके फास्टिंग 200 आती थी अभी, जो अब 170 आई है तकरीबन। 175। तो क्या मशवरा देंगे आप लोगों को? मैं तो लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आए जड़ी बूटियों की तरह, डॉक्टर फहीम की पब्लिसिटी नहीं करनी आपने। वही तो, आए डॉक्टरों से जान छुड़ाएं अपनी भाई, और हकीमी की दवाइयाँ तो ऐसी। अच्छा, ये जो अंग्रेजी दवा है इसकी उम्र है 50 साल, जबकि हकीमी जो दवा है ये तो बाबा आदम के ज़माने से, कि कुरान अहादीस में जिक्र, अल्लाह ताला की तमाम जो आसमानी किताबें हैं उनमें जिक्र, अहादीस में जिक्र, 1,24,000 जो पैगम्बरान इस्लाम है उन सब की सुन्नत है जड़ी बूटियों का इलाज। जबकि ये जो अंग्रेज़ी है इसको तो 30-40 साल हुए, इसकी लॉन्चिंग को 50 साल हुए, और आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जब अंग्रेज़ी दवा खा रहे थे तो जिस्मानी कैफियत कैसी थी। आज आपके चेहरे पे बड़ी रौनक है माशाल्लाह। अल्लाह, मैंने आपको कहा अल्लाह मेरी नज़र से भी बचाया आपको। तो बस ये खुशी होती है। आपने शुगर सही से चेक नहीं की, अगर आप मुस्तकिल शुगर चेक करके मुझे आज से व्हाट्सअप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? वकार साहब ये हमारे फोटोग्राफर हैं, डिफेंस में होते हैं, और माशाल्लाह ये खुद भी एक ख़ास मर्ज़ की दवा लेने की कोशिश में, मगर वकार भाई जो है हमारे बुज़ुर्गों को लेकर आए थे। वकार भाई क्या कहेंगे? यार मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, खैर मैं दवाइयों से वैसे ही बहुत दूर भागता था, और हकीमी इलाज तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं करवाऊँगा या नहीं करवाऊँगा, लेकिन देखने के बाद, अपनी आँखों से देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार हकीमी दवा जड़ी बूटियों की जो दवा है वो सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आप सलाह अपना आदम अलैहि सलाम के दौर से चली आ रही है, फिर जड़ी बूटी है, अल्लाह की नेमत है, इसमें यार क्यों इलाज। आपके जो गैदरिंग के सरबरा है इनकी तबीयत में एक हफ्ते में आपने फिज़िकली क्या कुछ चेंज महसूस किया? इनके चेहरे पे माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़र्क मैंने देखा, क्योंकि यार मेरी मुलाकात इनसे आज हुई है, वैसे तो नहीं हुई, तो आज ही मुलाकात हुई है, उस टाइम उनका चेहरा, शुगर के मरीज का जो चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा और बिल्कुल बीमार शक्ल से, वो नहीं है, 50 का बंदा 70 का लगता है, वो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो कैफियत अब बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई। चलें, जज़ाकअल्लाह। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर फहीम अरबलिस्ट को इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि।